वो अपनी कड़ी मेहनत से आदमी को इंसान बनाते हैं, जो तराशते हैं ज्ञान की छेनी से, वही तो असली गुरु कहलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आरजे काव्य। ये है एक पहाड़ी ऐसा भी सीजन 3। और इस हिंदुस्तान में जहां शिक्षा और गुरु स्टूडेंट के रिलेशनशिप की बात करें तो कोई फ्लाईओवर के नीचे पढ़ा रहा है तो कोई टूटी दीवारों के सहारे ही सही, लेकिन बच्चों के भविष्य को सुधारने में लगा है। और इस लॉकडाउन में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जिनमें से एक है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के पुष्पेंद्र सिंह बिष्ट। UPES presents Red FM पे एक पहाड़ी ऐसा भी, एक पहाड़ी ऐसा भी विद आरजे काव्य, विद आरजे काव्य। लोगों के दिमाग में कुछ न कुछ इनोवेटिव आइडियाज जरूर होते हैं, लेकिन वक्त की कमी के चलते वो उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। कुछ ऐसा ही हुआ टीचर पुष्पेंद्र बिष्ट के साथ। जब भी स्कूल में कोई स्पेशल डे सेलिब्रेट होता था तो पुष्पेंद्र सर ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉइंग बनाकर बच्चों को पढ़ाते थे। एक दिन उनके प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल की दीवारों पे अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव पिक्चर्स और ड्राइंग बनाई जाए तो कैसा रहेगा। पुष्पेंद्र सर को आइडिया तो अच्छा लगा, पर वक्त नहीं मिला। लेकिन जब कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा तो वो अपने घर चमोली नहीं लौट सके और प्रिंसिपल सर के दिए हुए आइडिया को एग्जीक्यूट करने का सही वक्त मिल गया। स्कूल के पास ही रहने वाले पुष्पेंद्र सर को स्कूल की सफेद दीवारें अब कैनवस नजर आने लगी। ड्राइंग और आर्ट में हाथ सदे हुए थे, फिर क्या था, हाथ में पेंट ब्रश पकड़ा और शुरू हो गया। देखते ही देखते स्कूल की दीवारें उत्तराखंड, इंडिया और दुनिया से जुड़ी जनरल नॉलेज से भर गईं। किसी दीवार पे उत्तराखंड का मैप दिखने लगा तो किसी दीवार पे इंडिया और वर्ल्ड मैप। कहीं बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने वाले सोशल मैसेज लिखे गए तो कहीं मॉरल एजुकेशन वाली बातें। पुष्पेंद्र सर कहते हैं कि बच्चों को सिर्फ किताबों से बांधना ठीक नहीं है। जब बच्चा आता जाता इन दीवारों को देखेगा तो खेल खेल में उसकी नॉलेज इंप्रूव होगी। इसके पीछे पुष्पेंद्र सर का मोटिव ये भी था कि लॉकडाउन के बाद जब बच्चे स्कूल आएंगे तो उन्हें अपना ही स्कूल एक सरप्राइज की तरह दिखेगा। पुष्पेंद्र सर की इस पहल के बारे में जब गांव वालों को पता चला तो वो भी उनके इस काम को देखने आने लगे। इनफैक्ट रोज स्कूल के पास से गुजर रहे कई पेरेंट्स को दीवारों पे लिखे लेसन भी याद हो गए। स्कूल खुलने के बाद शायद कभी ऐसा भी हो जाए कि अगर कोई बच्चा अपनी किताब घर पे भूल जाए तो स्कूल की दीवारें देखकर ही उसका काम चल जाए। पुष्पेंद्र सर के इन एफर्ट्स पे बस ये कहना है कि प्यासों न रहो दस्त में बारिश के मुंतजर, कि पांव मारो जमी पर और पानी छलक उठे। तो कैसी लगी आज की ये कहानी आपको, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके पास है ऐसी ही कोई कहानी तो हम तक उसको जरूर से भेजिएगा। मेरा नाम है काव्य और ये है एक पहाड़ी ऐसा भी। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, यर हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेर पहाड़ा। Presented by UPES, University with a Purpose. 93.5 Red FM. बजाते रहो।